उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। भदोही जिले के एक दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण आग लग गई। इस घटना में 64 लोग झुलस गए, जबकि दो बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। झुलसे लोगों में अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। जीएम गौरांग राठी के मुताबिक मृतकों में 12 साल का अंकुश, 10 साल का नवीन और 45 साल की जया देवी शामिल हैं। जिला प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक भदोही जिले के औराई में दुर्गा पूजा पंडाल में लगी आग से 64 लोग झुलस गए। इनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे हैं। झुलसे 64 में 42 लोगों को उपचार के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। वाराणसी रेफर किए गए लोगों में से 10 को बीएचयू के सुपर स्पेशलिटी बर्न इमरजेंसी, 14 को बीएचयू के ट्रामा सेंटर और 3 को बीएचयू के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। भदोही जिला प्रशासन के मुताबिक झुलसे 10 लोगों को वाराणसी के मंडलीय अस्पताल और 5 को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 लोगों को उपचार के लिए प्रयागराज ले जाया गया है। 18 लोगों का उपचार और नहीं चल रहा है। इनमें से 15 लोगों को वाराणसी जिला अस्पताल भेजे जाने की बात कही जा रही थी।